साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल हाड़ा वेट्स क्लब में। यह बेहोश करने का इंजेक्शन इतने सारे काम करता है कि हम वेटनरी में कई पशुओं की जान बचा सकते हैं, उनको मरने से बचा सकते हैं। और ऐसे रामबाण इलाज काम करता है ये इंजेक्शन कि आप जहां पर लगाएंगे पशु मालिक भी होश उड़ जाएंगे उसके भी। ये आपने ऐसे कैसे कर दिया, क्योंकि इतने शानदार रिजल्ट देता है और ऐसी ऐसी जगह पर पशु की जान बचाता है जहां पे आप सोच भी नहीं सकती। जहां पे पशु मरने वाला होता है वहां पर हम 1.5 ml या 1 ml या 0.5 ml लगाते हैं, पशु चमत्कार रिजल्ट आता है। ऐसा कैसे होता है इस इंजेक्शन से और हमें कहां कहां पर कैसे कैसे इसका उपयोग करना है, यही जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप बने रहे वीडियो को अंत तक, वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि कहीं कहीं आपकी जानकारी छूट ना जाए और आपके पशु की डेथ ना हो जाए। इसलिए पूरा वीडियो देखने और लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को शुरू करते हैं। यह इंजेक्शन है एनेस्थेसिया, यानी यह पशु को बेहोश करने का काम करता है। अगर आपको कहीं पर भी पशु को बेहोश करना है तो तुरंत लगाइए, पशु तुरंत बेहोश होगा। पशु को काबू में करना, तुरंत लगाइए, तुरंत बेहोश होगा। ये क्या इतने शानदार रिजल्ट, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो आज दिन तक किसी ने बताया ही नहीं कि हम पशु को ऐसे भी कवर कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। आज मैं बताता हूं आपको कि ये कैसे काम करता है और हमें कहां पर कैसे उपयोग करना है। बात करें बीमारियों की, आपको कहीं पर टांके लगाने, आप टांके लगा रहे, पशु टांके नहीं लगाने दे रहा है, बहुत देर हो गई, आपने 10-15 आदमी बुला लिए, पशु को पकड़वा दिया, अच्छे से बंधवा दिए, लेकिन फिर भी पशु हिल रहा है, टांके नहीं लगाने दे रहा है, उसको मैं कैसे काबू करूंगा? मैं उसको जलाजिन दूंगा ताकि मैं आसानी से पशु को टांके लगा सकूं और पशु को ठीक कर सकूं। मुझे किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, गांव से एक भी आदमी नहीं बुलाने, बस गया, देख लिया इतना इतना कटा हुआ है, जलाजिन लगाया, तुरंत रिजल्ट मिला, तुरंत टांके लगाया और ये निकला। 5 मिनट में सब काम कर देता हूं मैं। वो कैसे, किसकी सहायता से? इस जलाजिन की सहायता से। अगर मेरे पास जलाजिन नहीं होता है तो मुझे गांव के लोगों को बुलाना पड़ता है, आधा घंटे तक तो पशु को बंधवाना पड़ता है, आधे घंटे बाद उसको नीचे डलवाते हैं, बहुत टाइम लगता है, 2 से 4 घंटे मुझे एक ही पशु को टांके लगाने में लग जाते हैं। लेकिन मैं जलाजिन साथ में रखता हूं, इसको लगाता हूं, किसी को नहीं बुलाना पड़ता, बस 5 मिनट बेसु बेहोश और टांके लगाया और ये चल दिए। तो जहां पर भी आपको टांके लगाने वहां पर आप जलाजिन का उपयोग करें, एक बेहतर शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको पशु के थन का ऑपरेशन करना है, थन का ऑपरेशन हम कैसे करते हैं, 11 नंबर के ब्लेड से उसके गठान को निकालते हैं, तो वहां पर हमें इसका उपयोग करना पड़ता है। और कई कई भाई लोग एक जगह टीट कटर भी डालते हैं, टीट कटर डाल के वो उस थन के अंदर से गांठ निकालते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है कि जब हम वो टीट कटर अंदर डालते हैं तब पशु एकदम से बिचकता है, एकदम से भागता है। तो कई बार क्या होता है, अगर थन के अंदर अगर इंजरी हो गई, थन के अंदर अगर वो ज्यादा चुभ गई है या पशु नीचे गिर गया उछक के, तो वो अगर थन के इधर आर पार हो गई तो थन हमेशा हमेशा के लिए खराब हो जाता है। तो आप जहां पर भी टीट साइपन डाल रहे हैं आप बेहद सावधानी पूर्वक इसका उपयोग करें। और अगर पशु ज्यादा खतरनाक है तो आप उसको 0.5 ml आप उसको ज्यादा जिंदे, मैं ऐसा ही करता हूं, मैं रिस्क बिल्कुल भी लेना नहीं चाहता हूं, किसी भी पशु को बिगाड़ना नहीं, हमें अच्छे से अच्छा रिजल्ट देना है तो हमें थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो आप उस पशु को आप जलाजिन लगाएं, आसानी से आप उसको अंदर टीट कटर डाल के सारे गठन बाहर निकाल सकते हैं और आप सावधानी पूर्वक हर काम कर सकते हैं। मैं भी यही करता हूं, 11 नंबर के ब्लेड से ऑपरेशन करने के लिए मैं पहले पशु को जलाजिन देता हूं और फिर बाद में काम करता हूं, क्योंकि पशु उछलेगा कूदेगा तो वह अगर ब्लेड थोड़ी सी भी इधर उधर तो थन कटने के चांस रहते हैं। तो सोचते हमें बहुत सारी जगह पर इसका उपयोग करना पड़ता है। इसके अलावा बात आती है प्रोलेप्स की, तो यह प्रोलेप्स की तो बहुत बड़ी समस्या है, इसका सटीक कोई उपचार नहीं, अगर जहां तक रुक जाए वहां तक रुक जाए, दवाई से अगर नहीं रुकता तो किसी से नहीं रुकता है, प्रोलेप्स का ऐसा काम बन जाता है। साथियों प्रोलेप्स मान लिए पशु ब्याने वाला है, एक दिन उसके ब्याने में चाहिए अभी, यानी पशु कल मेरा पशु ब्याह जाएगा और आज वो इतना जोर कर रहा है, इतना प्रोलेप्स बाहर निकल रहा है, बार बार प्रोलेप्स बाहर कर रहा है, अंदर कर रहा है, बाहर कर रहा है, अंदर कर रहा है, और मैंने 4-5 डॉक्टर भी बुलवा लिया, अब उसको अंदर धक्का दे रहे, कई कई भाई लोग मैंने देखा है पशु अंदर से धक्का मार रहे हैं, पशुपालक भाई और डॉक्टर बाहर से धक्का दे रहे हैं, वो अंदर से जोर कर रहे हैं, आप इधर से जोर कर रहे हैं, ऐसे जोर कर कर के आप पशु की हालत खराब कर देते हैं और पशु की जो बच्चेदानी रहती है, जो प्रोलेप्स रहता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, आपके हाथ लगाने लगाने से बार बार उसमें पॉइजन बनने लगता है, वो फूल जाता है और पशु की डेथ होने की ज्यादा चांस रहती है। तो जहां पर भी आपको अगर पशु बहुत ही ज्यादा जोर कर रहा है, बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहा है, आपने सारी कोशिश कर ली, आपने जो भी करना था, आपने टांके वगैरह सब लगा दिए, अगर फिर भी पशु जोर करता बंद नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में आप यह जलाजिन पशु को लगाए, जरूर लगाए, और पशु जैसे ही लगाए पशु तुरंत जोर करना बंद कर देगा, फिर आप आसानी से इस प्रोलेप्स को पशु के बॉडी के अंदर कर दे और आप पशु की जान को भी बचा सकते हैं। मैंने कई कई बार देखा है डॉक्टर के इंजेक्शन लगाए, स्पर्जिक लगाए, लेकिन पशु ने जोर करता बंद नहीं हुआ, उन्होंने इधर से धक्का दिया, पशु ने बाहर धक्का दिया, तो पूरा प्रोलेप्स बाहर आ गया,
फिर चार पांच लोगों ने मिलकर इधर से धक्का देना चाहा और प्रोलेप से फट गया और पशु की वहीं पे डेथ हो गई। तो साथियों ऐसे रिस्क वाले केस में हमें पशु की जान को बचाना है तो हमें वहां पर जलाजन का उपयोग करना पड़ेगा। आप वहां पर तुरंत जलाजन लगाए, पशु को मरने से बचे और प्रोलेप को भी आप आसानी से अंदर कर सकते हैं। ये एक बहुत ही रामबाण फार्मूला जो आपको मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। इसके अलावा हम कहीं पर एमपीडी करते हैं, एमपीडी करने में पशु खड़े खड़े एमपीडी करता हूँ, वहां पर मैं 0.5 ml उसको पहले जायलेजिन दे देता हूँ ताकि पशु हिले ना, और उसके बाद हम आसानी से वहां पर एमपीडी चिटकी सुन्न का ऑपरेशन भी आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा हम जहाँ पर पशु की रोमोटोमी करते हैं, पशु के पेट से पॉलीथिन वगैरह निकालने के लिए रोमोटोमी करते हैं या गोबर बंद का ऑपरेशन करते हैं, हम वहां पर भी इसको लगाते हैं ताकि पशु आसानी से खड़ा रहे, हम अपना काम कर सकते हैं। बकरों में पेशाब बंद या लवारों में पेशाब बंद का ऑपरेशन करते हैं, हम वहां पर भी इसका उपयोग करते हैं ताकि लवार हमें परेशान ना करे और हम आसानी से हम अपना काम कर सकते हैं। तो साथियों जहां पर भी सर्जरी का काम करना पड़ता है, हमें काटने पीटने का या कुछ भी काम करना पड़ता है, वहां पर हम जलाजन लगाते हैं। और खासकर आप प्रोलेप्सो में ध्यान रखिए कि अगर पशु जोर करता बंद नहीं हो रहा है तो आप वहां पर जलाजन लगाएं और पशु को मरने से भी बचाएं और एक बेहतर रिजल्ट पाएं। इसके अलावा बात करें इसकी डोज की, तो साथियों इसकी डोज में आप क्या करेंगे, जो कैटल है, जो लार्ज एनिमल है, जो भैंस है, उस भैंस को आप 0.5 ml नॉर्मली कट फिट करने के लिए, थन का ऑपरेशन एमपीडी करने के लिए आप 0.5 ml लगाएं। अगर रोमनटोमी, अगर प्रोलिप्स को बंद करना है, जोर बंद करना है, तो आप उसको 1 ml तक आईवी लगा सकते हैं लार्ज एनिमल में। छोटे पशु में उनके बॉडी वेट के हिसाब से आप 0.3 ml 0.4 ml तक भी आप उनको आईवी कर सकते हैं। बकरी में आप 0.2 ml तक उसको आईवी करें, या आईवी नहीं लगा सकते आप तो 0.5 ml उसको आईएम लगा। भैंस में भी अगर आप आईवी नहीं लगा पा रहे तो आप उसको 2 ml से लगा कर 3 ml तक इंट्रामस्कुलर लगा, धीरे धीरे पशु बेहोश हो जाएगा। और ये इंजेक्शन ऐसा काम करता है जैसे आपने आईवी लगाया तुरंत काम करेगा, पशु तुरंत बेहोश हो जाएगा। साथ ही जहां पर भी आपको काम करना आप इसकी डोज 0.5 ml से आप लार्ज एनिमल में 1 ml तक लगा सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में यानी 9 महीने का अगर पशु प्रेग्नेंट है तो आप उसमें थोड़ी रहम करें, आप उसको ना लगाए तो थोड़ा बेहतर रहेगा। हालांकि सब पशु मोशन नहीं होता लेकिन किस किस पशु में हो भी जाता है, तो उस स्टेज में आप थोड़ा इसको ना लगाए, इसके अलावा आप पशु को बंधवा दे वही ठीक रहेगा। साथियों ऐसे नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।